राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशिफल की, टॉरस राशि के लिए मंथली होरोस्कोप अगस्त 2023। इस महीने के ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे शुक्र, यानी कि आपकी राशि के स्वामी। वो वहाँ पर 8 अगस्त को आएंगे, लेकिन उससे पहले 7 अगस्त तक वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे सिंह राशि में, फिर वक्री होकर वो 8 तारीख से 31 अगस्त तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 3 से 18 अगस्त के बीच वो वक्री भी रहेंगे। शनि आपके दशम भाव में ही चल रहे हैं वक्री होकर। बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष आपके 12वें भाव में है और केतु आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। मंगल की स्थिति को समझे तो मंगल सिंह राशि में रहेंगे 17 अगस्त तक, यानी आपके चौथे भाव में। फिर वो 5वें भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में 18 अगस्त को। सूर्य की स्थिति को समझे तो 1 से 16 तारीख तक वो आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ तीसरे भाव में रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद 17 अगस्त को वो सिंह राशि में आ जाएंगे। बुध की स्थिति को समझे तो बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे सिंह राशि में, जहाँ वो 23 अगस्त को वक्री भी हो जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं वृषभ राशि के लिए अगस्त के महीने के लिए। तो आपका जो राशि स्वामी है शुक्र, वो पहले और छठे भाव का स्वामी होकर कर्क राशि में है तीसरे भाव में, और 16 तारीख तक वो सूर्य के साथ रहेंगे। तो कंफर्ट और लग्जरी का जो प्लेनेट है वो मेहनत के भाव में है, फिजिकल एफर्ट्स के भाव में, और 3 से 18 अगस्त तक वो सूर्य से अस्त भी रहेंगे। तो अच्छी स्थिति नहीं है। इम्यूनिटी लेवल आपका अगस्त महीने में कमजोर रहेगा, छोटी बड़ी काफ़ी आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कंफर्ट लेवल आपको अपना छोड़ना होगा। तो अगर आपको विशेषकर दूसरे हफ्ते में काफ़ी सावधानी रखनी होगी, पहले से अगर कोई क्रोनिक डिजीज लंबी बीमारी से आप पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या गुर्दे की कोई समस्या है, तो आपको सावधानी रखनी होगी। जुपिटर और राहु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं तो मेडिकल पर वो खर्चा करवा सकते हैं। अपना खाना पीना लाइफस्टाइल आपको हेल्दी रखना होगा। राशि स्वामी तीसरे भाव में हो तो कोई भी अगर आपको चिंता है, कोई भी इस तरीके की बात है जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपको तुरंत उसको शेयर करना चाहिए। अपने तक ही अगर रखेंगे तो समस्या बढ़ेगी। कम्युनिकेशन के भाव में राशि स्वामी है तो आपको कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा। शिक्षा की अगर बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव के स्वामी बुध 7 तारीख तक तो वो पंचम में ही रहेंगे। तो पहला हफ्ता अच्छा समय है, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं शिक्षा से संबंधित तो वो पहले हफ्ते में ही ले लेना चाहिए। उसके बाद बुध बकरी होकर मंगल के साथ चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर 12वें भाव से बृहस्पति की और 10वें भाव से वक्री शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर रहेगी। तो जो तकनीकी शिक्षा के छात्र हैं टेक्निकल क्षेत्र में, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सरकारी जो परीक्षा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपने अंदर अपनी तैयारी के लेकर कुछ असंतोष महसूस कर सकते हैं। छात्रों को अपने सहपाठियों के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मंगल आपके पंचम भाव में भी आ जाएंगे 18 अगस्त से। विदेश से अगर आप शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए ये महीना काफ़ी शुभ रहेगा। शिक्षा जो छात्र पूरी कर चुके हैं, जिन्हें नौकरी की तलाश है, उनको भी नौकरी के अवसर इस महीने मिलने की उम्मीद है। करियर, रोजगार, बिजनेस वृष वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना वृषभ वालों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। गोचर के संकेत इसी तरीके से मिल रहे हैं। चौथे भाव में बुध और मंगल आपके बैठे हुए हैं, जिन पर वक्री शनि की दृष्टि आ रही है। परस्पर दृष्टि है ये, आपस में ही दृष्टि डाल रहे हैं। बुध मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि बुध मंगल को देख रहे हैं। ज्योतिष में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे साथ बैठे या परस्पर दृष्टि हो, तो ये धन योग कहलाता है। केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहलाता है। तो यहाँ पर बुध और मंगल के बीच में ऐसा संबंध बन रहा है। बुध पंचम भाव के स्वामी है और मंगल केंद्र के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी। तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है। मंगल शनि के बीच में भी बन रहा है, सप्तम और नवम भाव के स्वामी है वो। बुध और शनि के बीच में भी बन रहा है, बुध त्रिकोण के स्वामी है पंचम भाव के और शनि नवम भाव के स्वामी है। तो ये धन योग भी है और शनि का शश योग तो है ही। तो धन व स्टेटस का मामला अच्छा दिखाई दे रहा है अगस्त 2023 के महीने में। जो व्यापारी लोग हैं उनको फायदा होगा, कोई नया समझौता, कोई नई डील आपको मिल सकती है। लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का आपको ध्यान रखना होगा, चीज़ों को अच्छी तरह से जांच परख कर अपने काम को फैलाएं। और कोई नया काम भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेशन का मामला है वो प्रॉपर रखें। बुध वक्री चल रहे हैं,
बुध और मंगल पर 12वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है, शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होगा। छठे भाव में आपके पहले से ही केतु चल रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य भी चौथे भाव में सब राशिस्थ हो जाएंगे। 18 अगस्त को मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, तो 17 अगस्त को सूर्य और शनि सम सप्तक भी होंगे, परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति, उनको भी लाभ दिखाई दे रहा है। साथ काम कर रहे लोगों से आपको सहयोग भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे वृषभ वाले भी मन लगाकर काम करेंगे, अपने सीनियर से उनको सहयोग भी रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, होम बेस्ड बिजनेस, राजनीति नक्षत्रों से जुड़े हैं, उनको लाभ की संभावना है। तो वृषभ वालों को अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। लेकिन क्या सभी वृषभ वालों को इसका फायदा होगा, सभी इसका फायदा उठा पाएंगे? ऐसा नहीं है। जिनकी लग्न कुंडली में ऐसे योग है और उस योग को बनाने वाले ग्रहों की दशा भी चल रही है, उन्हीं को इसका फायदा होगा। लेकिन अगर खराब दशा वालों भी आपकी अगर चल रही है, आप वृषभ राशि के हैं, चाहे वृषभ लग्न हो या वृषभ मून साइन हो, तब भी आर्थिक मामलों में नया रास्ता आपको जरूर दिखाई देगा। देखिए, मासिक राशिफल क्यों देखा जाता है? मासिक राशिफल आपको आने वाले महीने की घटनाओं का एक पूर्वानुमान देता है, जिससे आप अपनी तैयारी उसके अनुसार कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग उन इशारों के अनुसार कर सकते हैं जो ग्रह आपको देते हैं। मासिक राशिफल मतलब महीने भर का गोचर। लेकिन इसमें जो कुंडली में आपके योग है और जो चल रही दशा है, उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आपका जो कुंडली में योग है, उसको बनाने वाली जो दशा है और उसके साथ गोचर के जो संकेत हैं, जब वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तभी कोई घटना घटती है। इसलिए जब भी आप राशिफल सुनते हैं, तो कोई बहुत अच्छा फल या बहुत खराब फल सुनकर एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके अनुसार आप अपनी जो प्लानिंग है अगले महीने की, उसको कर सकते हैं। अगस्त 2023 में आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति को अगर देखें, तो आपके धन की बचत यानी कि धन भाव के स्वामी बुध वक्री हैं चौथे भाव में मंगल के साथ। तो प्रॉपर्टी से, माता के सहयोग से भी आपको धन मिल सकता है। मंगल यहाँ पर सातवें भाव के स्वामी भी हैं, तो पार्टनर से भी साझेदारी का जो काम है, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन बृहस्पति जो कि 12वें भाव में है और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी बुध पर आ रही है, तो वो कुछ खर्चा भी करवाएंगे। तो एक अच्छा है कि आप अपनी जो भी अर्निंग होती है, उसमें से कुछ एक हिस्सा अपने सामर्थ्य अनुसार अगर गुप्त दान कर देते हैं, गुप्त रूप से किसी धार्मिक स्थान पर, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति अष्टमेश हैं आपके लिए। भाग्य का साथ को अगर देखें, तो अगस्त महीने में 8 तारीख से आपके जो राशि स्वामी हैं शुक्र, वो तीसरे भाव में रहेंगे और नवम भाव पर वो दृष्टि डालेंगे। राशि स्वामी की नवम भाव पर दृष्टि शुभ है। नवम भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में 10वें भाव में है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शशि योग वो बना ही रहे हैं, तो भाग्य का साथ अच्छा है, मेहनत का फल आपको मिलेगा। देखिए, वृषभ वालों के लिए जो शनिदेव हैं, वो योग कारक ग्रह होते हैं, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट। लेकिन शनि का जो देने का तरीका है, वो थोड़ा विलंब से होता है और वो धीरे धीरे शनि शनि चीजों को देते हैं। लेकिन जो वो देते हैं, उसमें स्थायित्व तो होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो अगस्त के महीने में आपकी जो की गई मेहनत है, वो बेकार नहीं जाएगी। थोड़ा विलंब से ही सही, उसका फल आप जरूर पाएंगे। अपने सबोर्डिनेट्स और जो सर्वेंट क्लास है, उनका सम्मान जरूर कीजिएगा। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें, तो अगस्त का महीना इतना ज़्यादा वृषभ वालों के लिए शुभ दिखाई नहीं देता है। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी बुध वक्री हैं चौथे भाव में मंगल के साथ, जो कि सातवें भाव के स्वामी हैं, शनि और बृहस्पति से दृष्ट हैं दोनों। तो पारिवारिक शांति के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ ही आपका झगड़ा हो सकता है। जो वसीयत है संपत्ति, उसको लेकर विवाद होना संभव है। खर्चे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, हालांकि वो जरूरी भी होंगे। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आपके आयोजित हो सकता है। अगर इस महीने आप घर बदलना चाहते हैं, तो बदल सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी सूर्य कर्क राशि में है तीसरे भाव में, 16 अगस्त तक अगर बदलना चाहते हैं, तो उससे पहले बदल लेना शुभ रहेगा। घर में ज़्यादा बहस करने से बचिएगा इस महीने। ज़्यादा बहस जो कि वाद विवाद की तरफ ले जाए, वो मत कीजिएगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे आपस में, लेकिन कोई गलतफहमी ना हो, इससे बचिएगा। क्योंकि सातवें भाव के स्वामी अपने से केंद्र में हैं, लेकिन वो मंगल हैं और चौथे भाव में मंगल को शुभ नहीं माना जाता। 18 अगस्त के बाद वो पंचम में आ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा सावधानी रखनी जरूरी है कि परिवार में
या जीवन साथी के साथ कोई गलत फहमी ना हो। देखिए, प्रेम, विवाह और पत्नी के जो कारक हैं वो वीनस, शुक्र भी इस महीने इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है रिश्तों के मामलों में। 8 तारीख तक वो वक्री रहेंगे सिंह राशि में ही, फिर वो इसमें कर्क राशि में चले जाएंगे तीसरे भाव में। कर्क राशि भी एक हाईली इमोशनल राशि होती है, तो भावनाएं और इमोशन जब बढ़ते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो उम्मीदों पर इस महीने नियंत्रण रखना होगा। शुक्र 3 से 18 के बीच में अस्त भी रहने वाले हैं। सूर्य और शनि भी इस महीने सम सप्तक हो जाएंगे 17 तारीख से, जब सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे। तो अहंकार पर ध्यान दीजिएगा, बाहर की जो बातें हैं उनको घर में ज़्यादा ना घुसने दीजिएगा। थोड़ा मानसिक शांति इस महीने आपकी भंग हो सकती है, पिता से संबंध भी खराब हो सकते हैं। वृषभ वालों के लिए प्रेम प्यार का मामला अगर देखें तो यहाँ पर पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, उसके स्वामी बुध वक्री हैं मंगल के साथ चौथे भाव में, लेकिन 7 तारीख से पहले बुध उच्च के रहेंगे पंचम भाव में ही, तो पहला हफ्ता बहुत शुभ जाएगा। इस संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है तो आप पहले हफ्ते में ले सकते हैं, फिर बुध चौथे भाव में चले जाएंगे मंगल के साथ, तब गलत फहमियों से बचिएगा। प्रेम विवाह का प्रयास अगर इस महीने करना चाहते हैं तो समय बहुत शुभ है उसके लिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध और 7वें भाव के स्वामी मंगल युति कर रहे हैं, जिन पर भाग्येश शनि और लाभेश बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। अगस्त के महीने की कुछ तारीखों की बात करते हैं, जो तारीखें आपके लिए विशेष रहेंगी। इन तारीखों में आपका जो मन है वो प्रफुल्लित रहेगा, उत्साह से भरा हुआ रहेगा। इन तारीखों पर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई तो खुशखबरी भी इन तारीख पर आपको मिल सकती है। आपके जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रह हैं इस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, तथा नक्षत्रों की गणना पर ये तारीखें आधारित हैं। शुभ तारीखें रहेंगी 2, 5, 6, 7 तारीख, 9, 10, 15, 20 और 29 तारीख। इसी तरीके से कुछ अशुभ तारीखें भी हैं जिन पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, उस दिन किसी से वाद विवाद ना करें। अशुभ तारीखें हैं 3 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख। अगस्त के महीने की शुभ तिथियां, व्रत और त्योहारों की बात करें तो पूर्णिमा 2 रहेंगी अगस्त के महीने में, एक 1 अगस्त को जो श्रावण अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी, दूसरी पूर्णिमा 30 अगस्त को रहेगी। भाद्रपद संक्रांति 17 अगस्त की रहेगी, 16 अगस्त की श्रावण अधिक मास की अमावस्या रहेगी। पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति दान पुण्य के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। इसके अलावा श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए विशेष एकादशी 2 रहेंगी, 12 अगस्त को पुरुषोत्तमा एकादशी और 27 अगस्त को पवित्रा एकादशी। भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष तिथियां, रवि प्रदोष का व्रत रहेगा 13 अगस्त को, सोम प्रदोष रहेगा 28 अगस्त को और मासिक शिवरात्रि रहेगी 14 अगस्त को। इसके अलावा 4 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा, 19 अगस्त का हरियाली सिंधारा तीज रहेगी, 21 तारीख की नागपंचमी रहेगी और 30 अगस्त को रक्षाबंधन रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त महीने के राशि फल में इतना ही। राम राम।